अबे ये लोग छाता लेके घूम रहे, वही ना क्या भाई लोग छाता इधर किस हिसाब से हाँ घूमने आए हैं या छाता का। ऐसा लग रहा है हम लोग शिमला में है। अभी पहले तो 20 की स्पीड थी, अभी तो 5 की स्पीड हो गई है। मोबाइल से देखो, मोबाइल से दिख रहा है। खतरनाक रास्ता है भाई, खतरनाक मौसम भी है, संभल के गाड़ी तो चलाने का है। गुड मॉर्निंग गाइस, अपनी गाड़ी यहाँ पे उर्मी डिकी ओपन करके खड़ी है, क्योंकि अपना जो लगेज है कार में डालना है और बाहर घूमने निकलना है। बारिश चल रही है, मतलब समझ जाओ मॉनसून व्लॉग बनने वाला है और जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो पहले ये देखो, ये सब सामान संभालना पड़ता है क्योंकि व्लॉगिंग करना ज़रूरी है। तो पहले सब लगेज में कार में रख देता हूँ और डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता हूँ और बाद में बात करता हूँ आप लोगों से। तो ये मॉनसून ब्लॉक बनने वाले नए नए करके भी 4-5 दिन के, जो मुझे भी खुद को पता नहीं था कि हम लोग ऐसे ही ट्रैवल करने वाले हैं। बट बारिश अच्छी खासी है मुंबई में, तो मैं पिछले एक हफ्ते से तो भीग ही रहा था और फैमिली वाले भी बोल रहे रक्षाबंधन आ रही है तो चलो बाहर घूमने जाते, तो हम लोग बाहर घूमने निकल चुके हैं। पहले जाने का प्लान था स्कूटर से, कि मैं स्कूटर से जाऊँगा और बाकी सब फैमिली है वो कार से आएगी। बट ऐसा है कि बाद में कार कौन चलाएगा, क्योंकि मेरे सिवा तो मेरी फैमिली में किसी को कार चलाने आती नहीं है, इसलिए मुझे कार चलाना कंपलसरी है। तो कार में अभी जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताऊंगा, बट टाइटल में तो आप लोगों को थोड़ा अंदाजा आ जाएगा, फिर भी वीडियो में नहीं बताऊंगा। अभी थाना वाला रोड पकड़ा है, अभी फ्लाईओवर हम लोग लेंगे और सीधा कल्याण फाटा जाएंगे। कल्याण फाटा से मैं राइट टर्न मारूंगा तो अंदाजा तो आ ही गया कि कौन सी तरफ मैं जा रहा हूँ। एक हिंट दे देता हूँ, बारिश खतरनाक है वहाँ पे और जंगल एरिया है, पूरे पहाड़ पे फॉग है, तो वीडियो शूट करने में मज़ा आएगा। बारिश ज़्यादा रहेगी तो भीगने में मज़ा आएगा, बट वीडियो में शूट करूँ नहीं करूँ वो मुझे पता नहीं, बट मैं खुद इन्जॉय बहुत अच्छी तरह करने वाला हूँ। गोप्रो लिया है, वाटरप्रूफ केस भी है, तो शायद आप लोगों को मैं दिखा तो दूंगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी मैं गाड़ी चलाने में ध्यान देता हूँ, क्योंकि उर्मी ने कैमरा पकड़ा, बेचारी ऐसे ऐसे हिला भी रही है और थक भी जाते ना कंटिन्यू कैमरा पकड़ के। बाद में मिलता हूँ। सादा पेट्रोल 2000 रुपया, चलो पेट्रोल भरा दिया, ये भी अपने साथ है गाड़ी, पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा दिया। भाई बारिश कंटिन्यू आ रही है, इसलिए व्लॉगिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट मोबाइल से मैं व्लॉग कर रहा हूँ। गोप्रो बाद में निकालेंगे, ये ले भाई सब बिल बिल रखो, चलते आगे। तो अभी हम लोग ने टिटवाला क्रॉस कर दिया है, बट मालसेज घाट जाने से पहले ना पीयूसी में निकल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट, जैसे आरसी बुक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पीयूसी, तो पीयूसी मेरा खत्म हो चुका है, तो पुलिस वाले लोग को पैसे देने ना पड़े इसके लिए मैं पीयूसी निकालने के लिए यहाँ पे खड़े रहा हूँ। सुबह के बजे है अभी 8:36 प्रॉपर, देख लो। एक्चुअली मैं कभी किसी को टाइम नहीं बताता भाई, अपनी मर्जी, कितने भी बजे उठो कितने भी बजे जाओ, जर्नी करो आपकी मर्जी है, टाइम लिमिट थोड़ी रहता है कहीं पे जाने के लिए। तो बट ये मैं आप लोगों को बता रहा था सुबह सुबह मैं जल्दी निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता खाली मिले, वरना कल्याण फाटे तक ना बहुत ट्रैफिक रहती है तो 3 घंटा लग जाता है। बट जैसे हम लोग समझो 6:30 बजे निकले घर से, हाँ तो 6:30 बजे निकले और अभी 8:30 बजा, मतलब 6:30, 7:30, 8:30, 2 घंटे में हम लोग मुरबाड़ तक पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे मालसेज घाट की तरफ, और मालसेज घाट का रास्ता कैसा है बारिश में वो मैं आप लोगों को गोप्रो के थ्रू दिखाऊंगा, DSLR के थ्रू नहीं। हाँ गाड़ी के बाहर बारिश था तो फॉग जम गया है, फॉग मैं हटा देता हूँ। हाँ अजीब ही दिख रहा है, पीयूसी आप उन्होंने निकाल दिया, यानी जो फाइन लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी, यानी RC बुक, इंश्योरेंस और पीयूसी अपने पास है, ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरे पास हमेशा रहता है, टेंशन नहीं है। तो पीयूसी के पेपर है ना, एक कार में रखेंगे एक घर पे रखेंगे। ओके अभी गाड़ी चलाते और सीधा मैं मिलता हूँ ब्रेकफास्ट एरिया में। यार बहुत कड़क भूख लगी है, कार से बाहर निकलते ना फॉग जम जाता है तो साफ करना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ने जैसे मिसल पाव, पौआ, आलू परोठा, पनीर परोठा मंगाया, बट फैमिली है ना अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो कांड हो रहा है ना उसके बारे में, तो पप्पा कुछ बता रहे हैं, मेरी बहन कुछ और बता रही है, मेरे को बोल रही है तू धीरे बात कर, अभी ब्लॉगर हूँ तो आवाज़ तो इतनी बड़ी आएगी ना। अभी मैंने उसको बोला टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, आजू बाजू वाले लोगों को भी पता नहीं चलेगा। तो अभी पहले खाना आता है, बाद में मैं आप लोगों को मिसल पाव बताता हूँ और खा लेता हूँ, यार बहुत कड़क भूख लगी है मुझे। जब हमारी फैमिली ऐसे बाहर निकलती तो ऐसे ही चलते रहते एक दूसरे की टांग खींचने का।
तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मुरबाड़ जाने वाले रास्ते पे एक स्पॉट था ऑन द स्पॉट के, वहाँ पे ऑर्डर दी तो पार्किंग अच्छी खासी है, ग्रीनरी भी अच्छी खासी दिखने मिली। तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट करने बैठे थे तो आलू परोठा खाया, गोली गोली पौवा खाया, मिसल पाव खाया, सब टेस्टी था। बिल भी कम ही हुआ, 7 जन का हम लोग का 620 रुपया हुआ। तो अगर कोई ट्रैवलर है और यहाँ पे आके खाना चाहते हैं तो खा लेना। बारिश है तो मैं ये होटल का व्यू प्रॉपर नहीं बता सकता ना, नाम बता सकता हूँ, साई मिलन, साई मिलन ढाबा लेफ्ट साइड में। अगर मुंबई से आते हो तो लेफ्ट साइड में साई मिलन ढाबा है। मार्केट गार्ड्स के रोड से आते हो तो राइट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा साई मिलन ढाबा। स्पॉन्सर रहता तो मजा आता, 620 रुपये का बिल हुआ, डिस्काउंट देता 500 रुपये में, तो है कि नहीं। हीरा विनीत उसका मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के बैडमिंटन ने 5 बजे उठा हुआ बेचारा, इसके लिए नींद पूरी नहीं हुई। वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाला था अगर आज खेलता। अब हमारी कार में विनीत आ चुका है, उर्मी यहाँ पे और मम्मी है, यानी बातचीत बहुत होगी, गाने कम बजेंगे, एक दूसरे की बातचीत करके क्या परेशानी हुई इधर आने को, खाना अच्छा था नहीं था। और विनीत का सबसे बड़ा टॉपिक क्या था मालूम है, जब हम लोग खाना खा रहे थे अफगानिस्तान की बात की, शीर्षा मूवी की बात की, भुज मूवी की बात की, देन क्या बोला और भी कुछ बोला ना, हाँ ऐसा बताया कि उसको पता ही नहीं था कि हम लोग ये ट्रैवल करने वाले, कल रात को ही उसको पता चला है कि हम लोग ट्रैवल करने वाले। यस, विनीत ने मुझे ये बोला। तो जैसे मैं मूवी नहीं देखा हूँ शीर्षा और भुज, तो विनीत ने रिकमेंड किया कि देखना चाहिए। मैंने भी सोचा था कि मैं नहीं देखूँ मूवी, बट देखने के बाद बहुत अच्छी लगी, तो विनीत के कहने पर मूवी देख लेंगे। कब देखेंगे ये तो मुझे नहीं पता, बट देख लेंगे। मैंने बोला था तब भी मैं सुना। अरे तूने बोला था, चलो अभी ट्रैवल करते वरना लेट हो जाएगी। अरे मैं उसके लिए नहीं, मैं तो अपने पहाड़ दिखाने के लिए रुका। पहाड़ का व्यू था। अरे बट इधर फास्ट गाड़ी चला रहे 80 की स्पीड में, कहाँ घाट पे रोकेगा तू। तो मैं आप लोगों को घाट दिखाता हूँ और वहाँ पे हम लोगों को जाना है। मैं गाड़ी नहीं रुकाने वाला था बट रुकाना पड़ा क्योंकि आप लोगों को दिखाना और बारिश भी आ रही है साथ में। देखो वो वहाँ पे पहाड़ है ना, उंगली नहीं दिखाता हूँ, देख लो पूरा फॉग जम चुका है और वहाँ पे हम लोग को जाना है, वहाँ पे हम लोग की होटल भी है। गाइज अभी हम लोग प्रॉपर धुएं में हैं, चारों बाजू देखो, दिल खुश हो गया रे मेरे भाई लोग। ऐसा लग रहा है हम लोग शिमला में है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ठंडी ज्यादा नहीं है, अगर ठंडी रहती थी ना तो मजा आ जाती थी। हमारे साथ जो दूसरी गाड़ी थी वो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, इसके लिए गाड़ी खड़ी की और अभी वीडियो शूट करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ का नज़ारा, तो देख तो जाओ। गाड़ी की चाबी में भूल गया फटाफट बाहर निकलने के चक्कर में। अरे बाप रे, दिखाई नहीं दे रहा बाबा, पूरा धुआं धुआं है सब जगह धुआं धुआं। क्या दिखा सकता हूँ, कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि धुआं रहेगा तो क्या दिखाऊं, खाली मैं महसूस ही कर सकता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रही है अभी यहाँ पे। मैं 4-5 दिन हूँ, दिल खुश हो जाने वाला है मेरा। हाँ वाटरफॉल है, बहुत कुछ है यहाँ पे, मैं एक्सप्लोर करूँगा और वीडियो में दिखाऊंगा। अभी कैमरा है ना अंदर रख देता हूँ, जितना शूट करना था कर लिया, आप लोगों को दिखा दिया। मैं गिल्ला होगा तो चलेगा, कैमरा गिल्ला नहीं होना चाहिए भाई। गाइस बाहर का नज़ारा देखो, ऐसा लग रहा है हम लोग बादलों के बीच में गाड़ी चला रहे और सच में चला ही रहे, दिख क्या रहा है। वो संभल के गाड़ी चलाना पड़ता है यहाँ पे, पार्किंग लाइट ऑन रखने का और 30-40 की स्पीड में चलाने का, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं चलाने का क्योंकि अचानक कोई गाड़ी दिखी और ब्रेक मारना पड़ा। तो हमारे आगे जो गाड़ी वाले ना वो लोग लाइट चालू नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से मुझे रास्ता दिखा नहीं दे रहा है और पूरा फॉगी है। यहाँ पे खाई है वो भी फॉगी है और यहाँ पे ये मार्सेलगढ़ का पहाड़ आ चुका है बट वो भी नहीं दिख रहा है। सामने वाले ने देखो लाइट चालू की तो पता चल रहा है, ये गधे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि लाइट चालू करके जाना चाहिए। जैसे मैंने पार्किंग लाइट चालू की, वो लोग को भी करना चाहिए ना। सामने वाला लाइट कर रहा है, ये लोग नहीं कर रहे, क्या बोलने का, पागल है पागल है पागल है। और हम लोग अंदर ऐसे बैठ के मजा ले रहे हैं वाटरफॉल, बाहर का नजारा, साई, और अभी 20 की स्पीड में हम लोग सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं। आगे जैसे मैंने बताया कुछ दिख
ही नहीं रहा है मुझे। ये मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, DSLR से नहीं शूट कर सकता बिकॉज ऑफ उर्मी पकड़ नहीं पा रही है DSLR और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे मैंने बोला फोकस करना चाहिए गाड़ी चलाने पे, और अभी तो मैं बंद ही कर देता हूँ। और एक आगे आगे आएगा, मंदिर है वहाँ पे मालसेज घाट का और आएगा। बट मामा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दिस? अबे यार एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में ऐसे कार चला रहा हूँ, कैसा एक्सपीरियंस बोले तो यार मजा ही ना। और एक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे की, अभी पहले तो 20 की स्पीड थी, अभी तो 5 की स्पीड हो गई है। मोबाइल से देखो, मोबाइल से दिख रहा है। अरे मोबाइल से दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसा जादू? ए सच में? ओह शिट। तो ये है मालसेज घाट का केव्स, वहाँ से हम लोग ने एंटर किया। यहाँ पे गाड़ी पार्क की है, अभी ये टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। आजू बाजू में पूरा फॉग ही फॉग है। देखो ये हमारे पहचान वाले की गाड़ी है। हाँ ये हमारे पहचान वाले की नहीं, ये हमारे पहचान वाले की गाड़ी नहीं है। अभी आ रही है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। और मेरा मोबाइल शायद उर्मी लेके गई है, तो उर्मी को पकड़ना पड़ेगा। उर्मी आगे का रास्ता देखो रे भाई, लोग ऐसे ही आगे का रास्ता ऐसा कुछ है। मैं बोला ही मेरा मोबाइल इधर ही, तो मैंने ड्रोन उड़ाया था जब मैं आया था पहली बार। वहाँ पे ये मंकी लोग देखो, और वहाँ का मंकी ना कुछ और ही कर रहा है। जूम करके मैं दिखा नहीं पाऊंगा कि ये गोप्रो है, और ये मंकी बहुत खतरनाक है, तो नज़दीक नहीं जाना चाहिए वरना पूरा फॉगी फॉगी है तो आप लोगों को पहाड़ नहीं दिखेगा। अबे ये लोग छाता लेके घूम रहे, क्या भाई लोग छाता इधर किस हिसाब से? हाँ घूमने आए हैं या छाता? ये रास्ता देखो भाई लोग, हम लोग कार में छुपे हुए हैं और ये लोग भीग रहे हैं। खतरनाक रास्ता है भाई, खतरनाक मौसम भी है, संभल के गाड़ी चलाने का है। मैं भीग रहा हूँ बट आप लोगों को वाटरफॉल दिखाने के लिए यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और ये टर्न मार के दिखा रहा हूँ। देख लो यार पीछे, वहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, यहाँ भी एक वाटरफॉल है। ऐसे प्रॉपर देखो, पब्लिकों ने यहाँ पे ही गाड़ी पार्क कर दी है, लाइट चालू है क्योंकि आगे पीछे को दिखाई नहीं देता। मैंने भी गाड़ी ऐसे ही लगा दी है, लाइट चालू है। वहाँ पे फॉग देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे पीछे। पानी पानी, ये बारिश का पानी है प्रॉपर। अभी मेरे साथ जो दूसरी गाड़ी थी वो आ रही है, इसलिए मैं रुका भी हुआ हूँ कि उसको बताओ ये भाई रुक जा, वहाँ पे ऊपर जाके तो और मजा आएगी। फोटो लेने के लिए यार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है देखो। आपकी आवाज आ रही है इसमें?